चाहे फिल्में हों या फिर टीवी, शमा ने अपने अभिनय से खूब नाम कमाया है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां उन्होंने सब कुछ खत्म करने का सोच लिया था। आइए रंग बिरंगे दुनिया में जानते हैं उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। शमा सिकंदर का जन्म 4 अगस्त 1981 को राजस्थान में हुआ था। शमा ने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रेम अगन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्मों के साथ साथ शमा ने टीवी में भी काम किया। उन्हें शो ये मेरी लाइफ है और बालवीर से काफी लोकप्रियता मिली। वहीं शमा ओटीटी पर माया जैसी बोल्ड वेब सीरीज कर सुर्खियों में भी रही। शमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। फिर 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद शमा ने अपने सामान्य जीवन को जीना शुरू किया। शमा एक प्रोड्यूसर भी हैं। उनका शमा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है। लव लाइफ की बात करें तो शमा ने अमेरिका के रहने वाले जेम्स मिलेरॉन से 2022 में शादी की।